शाहदरा जिला के आनंद बिहार थाना में कड़कड़डूमा कोर्ट के वकीलों ने एक पुलिस कांस्टेबल की पिटाई कर दी। पिटाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि वकीलों का कहना है कि शराब के नशे में धुत पुलिस कांस्टेबल ने पहले वकील के साथ मारपीट और बदतमीजी की। वकील के साथ मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। कड़कड़डूमा कोर्ट के एडवोकेट साहिब सिंह ने बताया कि कुछ दिन पहले एडवोकेट सतीश चौधरी का कुछ लोगों से झगड़ा हुआ था। इसी बात की शिकायत लेकर वे आनंद बिहार थाने पहुंचे थे, जहां शराब के नशे में धुत प्रशांत गुज्जर नाम का पुलिसकर्मी ने एडवोकेट सतीश के साथ मारपीट की। बचाव में वकीलों की तरफ से पुलिसकर्मी के साथ हाथापाई हुई। एडवोकेट साहिब सिंह वर्मा का कहना है कि इस घटना के बाद एडवोकेट सतीश की तरफ से प्रशांत गुज्जर के खिलाफ आनंद बिहार थाने में शिकायत दी गई है, जिसके बाद प्रशांत गुज्जर ने लिखित रूप से एडवोकेट सतीश से माफी मांगते हुए कहा कि उससे गलती हो गई, वह शराब के नशे में था। लेकिन आज घटना के चार दिन बाद एडवोकेट सतीश चौधरी पर पुलिसकर्मी के खिलाफ दी गई शिकायत को वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है, साथ ही उन पर मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी जा रही है। कड़कड़डूमा कोर्ट के वकीलों का कहना है कि गलती पहले पुलिसकर्मी ने की थी, लेकिन वकीलों के खिलाफ ही कार्रवाई की जा रही है, उन्हें हिरासत में लिया गया है। मेरा नाम एडवोकेट साहिब सिंह है। यहाँ पे हमारे एक मित्र एडवोकेट सतीश चौधरी हैं, उनका कलेश हुआ था, उनका झगड़ा हुआ था, तो उनके झगड़े में इन्होंने क्या करा, वो यहाँ पे अपने कंप्लेंट देने आए। जब अपनी वो कंप्लेंट दे रहे थे, तब पुलिस वाले एक नशे में धुत पुलिस वाला आया, जिसका नाम प्रशांत गुजर है, हवलदार। उसने आते ही जब देखा कि कंप्लेंट दे रहे हैं उसके खिलाफ भी, जबकि उसने दारू पी हुई थी, नशे में धुत था, तब उसने उस पर हाथापाई चालू कर दी एडवोकेट सतीश चौधरी पे, हमारे मित्र पे। उसने अपने बचाव के लिए जब उसको धक्का दिया, तब और भी चिपटने लगे और मारने लगे उसको पुलिस वाले, जिसकी वीडियो अभी आप लोगों को दिखाई नहीं जा रही। तो उन्होंने अपने बचाव के लिए पुलिस वालों को मारा। उसके लिए उन्होंने ऑन द स्पॉट 4 से 5 PCR कॉल करी, 100 नंबर कॉल करी, कोई पुलिस वाले नहीं आए, कोई कार्रवाई नहीं करी गई। DD एंट्री लेके कंप्लेंट लिखवा के अपनी DD एंट्री लेके गए, जो कि कंप्लेंट भी उनके पास है, और बाद में माफीनामे में वो हवलदार प्रशांत गुजर भी अपने लिख के दे रहा है कि मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, मैंने शराब के नशे में धुत एक एडवोकेट सतीश चौधरी को मारा, इसकी मैं तहे दिल से माफी मांगता हूँ। और उसके बाद आज, जो कि 4 दिन बाद DCP की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, DCP ने यहाँ पे हमारे मित्र एडवोकेट सतीश चौधरी को बुलाया, और हम में से किसी को अंदर जाने नहीं दे रहे। देखो, ताला लगा दिया है गेट को, और कंप्लेंट वापसी लेने का दबाव बना रहे हैं, और ऊपर से हमारे पे FIR करने का कह रहे हैं कि तुम पे FIR होगी ही होगी, अब चाहे तुम वकील हो चाहे कुछ हो। इसका मतलब ये कहता है कि हमारे पास कोई हक नहीं है हमारा बीच बचाव करने का, अपना बचाव करने का। हमारा ये, इनका ये कहना है कि तुम पुलिस थाने आओ और पिटो, हम तुम्हें मारेंगे और तुम्हारा काम है पिटना, और तुम्हें उसके बाद थाने में घुसने नहीं देंगे, बस। ये सतीश चौधरी एक एडवोकेट हैं, इनके साथ जो घटना घटी है वो बड़ी गलत है। पुलिस ने ज़बरदस्ती इन्हें जो है घर से अरेस्ट कर करके और थाने में ये ले आई है, और बात करने नहीं दी जा रही है, गेट बंद कर दी है। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि पुलिस ने एक ही वीडियो दिखाई है, जिसमें सतीश जी ने पुलिस को मारते हुए दिखाया जा रहा है। मुझे पता नहीं है, मैं था नहीं मौके पे, लेकिन इसमें एक दूसरी वीडियो भी है जिसमें पहले पुलिस ने सतीश को मारा है, जबकि पुलिस वाला जो है क्या नाम है शराब पी हुए था, और वह उस थाने का भी नहीं है, और उसने लिखित में बाद में SHO ने दबाव में माफीनामा भी मंगवा के दिया हुआ है, जिसमें उसने पुलिस वाले ने कहा है कि मैंने शराब के नशे में सतीश जी पे हाथ उठा दिया, जिसकी मैं तहे दिल से माफ़ी मांग रहा हूँ। दो पुलिस वालों की उसमें गवाही हुई। बात ये नहीं है, बात ये है कि आजकल ऐसा ट्रेंड बन गया है, पुलिस का आजकल ऐसा ट्रेंड बन गया है, जहाँ भी किसी एडवोकेट की एंट्री थाने में होती है, किसी मैटर में होती है, तुरंत पहले उस पर FIR दर्ज करी जाती है दबाव बनाने के लिए, ताकि कोई भी वकील धीरे धीरे थाना आना बंद कर दे। कुछ ऐसी घटना, ऐसा सिस्टम चला हुआ है कि वो चाहते हैं कि थाने में या किसी भी मामले में कोई वकील का इंटरफेयर ना हो। आप ये देख लो, किसी भी थाने में, किसी भी मैटर में अपने क्लाइंट के साथ अगर कोई एडवोकेट जाएगा तो उस एडवोकेट पे FIR होगी ही होगी। पिछले 7 दिन में लगभग 4 FIR यमुनापार में हो चुकी है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।